Hey kids, a very warm welcome to all of you. How are you all? Good, very good. Hope you are fit, fine, healthy and hope you are enjoying. बच्चे enjoy करते रहना और classes attend करते रहो और work complete करते रहो. फिर exams भी तो आएंगे ना. Exams भी देने हैं ना. So let's go. Start करते studies without wasting our time. आपको computer की book खोलनी है. खोली? Very good. अब हमें कंप्यूटर बुक का बच्चे चैप्टर नंबर 6 खोलने जा रहे हैं. वो भी खोल लिया. वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए. अब कंप्यूटर का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर्स कीबोर्ड. सो आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में. और मैम ने फिर से एक लाइव एग्जांपल लिख रहा है आपके आगे, कीबोर्ड. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. मैम ने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है एंड द पेज नंबर इज 4242. पढ़ने जाते हैं. As we use pencil or pen to write in our notebooks, in the same way we use different keys on the keyboard to type on the computer. जैसे कि हम notebook पे कुछ भी लिखने के लिए pen या pencil use करते हैं, उसी तरीके से computer पे कुछ भी लिखने के लिए हम keyboard use करते हैं और keyboard की keys use करते हैं. ठीक है? There are 104 keys on a standard keyboard. एक standard keyboard पे कितनी keys होती हैं बच्चे? 104 keys. ठीक है? These keys are marked with some characters, letters, numbers and symbols. इनमें कुछ ना कुछ लिखा होता है. Alphabets लिखे होते हैं, numbers लिखे होते हैं और कुछ ना कुछ characters लिखे होते हैं कि क्या screen, कौन सी keys किस चीज की है. Various types of keys are found on keyboard. एक keyboard पे बहुत अलग अलग तरीके की keys होती हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हो. मैम ने पूरे zoom कर दिए. ठीक है? कुछ होती है, ये होती है बच्चे F1 से लेकर जो F12 तक होती हैं, ये keys जो आपकी होती हैं, कौन सी? Function keys. ठीक है? यहाँ पे होता है एक delete का button होता है. ठीक है? यहाँ पे आपका एक होता है button, इसको कहते हैं delete का button. डिलीट का बटन ऐसे नहीं बोलते, ये होती है डिलीट कीज. ठीक है? और नेक्स्ट ये होता है बच्चे हमारे टोटल ओवरऑल कीबोर्ड. ये होते हैं यहाँ पे एरोज होते हैं, जो कि अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, ये सारे एरोज होते हैं. ये होती है हमारी यहाँ पे एंटर की कीज होती है. यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये एंटर कीज है, ये एरो कीज है और ये डिलीट कीज है. कुछ भी अगर हमसे गलत होता है तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं. और यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें कहते हैं नंबर कीज. ठीक है? और फिर ये होती है अल्फाबेट कीज, जहाँ पे ये सारे अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं ना, ए से जेड तक, ये सारी होती है अल्फाबेट कीज. और ये होती है कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की का काम पता क्या होता है? अगर हमें कोई भी लेटर बड़ा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है तो हम पहले कैप्स लॉक ऑन करते हैं, कैप्स लॉक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम कुछ भी लिखते हैं, फिर वो बड़ा लिखा जाता है. नेक्स्ट है स्पेस बार की. स्पेस बार की ये वाली होती है जब हम जगह छोड़नी होती है ना, हमें स्पेस छोड़ के लिखनी होती है, तो ये होती है हमारी स्पेस बार की. ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 43 पर. अल्फाबेट कीज, ये अब हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट इज अल्फाबेट कीज. अल्फाबेट कीज क्या होती है? कीज दैट आर मार्क्ड विद लेटर्स ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज. वो कीज जिसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं ए से जेड तक, वो होती है हमारी अल्फाबेट कीज. ठीक है? और क्या लिखा है? दे आर यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड, सेंटेंसेस एटसेट्रा. इनसे हम कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं या कोई भी लेटर लिख सकते हैं. किससे? अल्फाबेट कीज से. द कीज ऑन अ कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन सीक्वेंस फ्रॉम ए टू जेड. ये सीक्वेंस में लिखा हुआ नहीं होता, ए बी सी डी ऐसे नहीं लिखा होता है. ये सीक्वेंस नहीं होते इनके. ठीक है? तो आपको इनकी पहचान करनी पड़ती है, आपको इन्हें याद रखना पड़ता है कि कौन सी कीज कहाँ पे है. ठीक है? नेक्स्ट काम, फॉर एग्जाम्पल, फॉर टाइपिंग अ वर्ड सुधीर यू नीड टू प्रेस द फॉलोइंग कीज. अगर आपको सुधीर टाइप करना है तो आप कैसे करोगे? ऐसे एस यू डी एच आई आर. क्या लिख दिया? सुधीर. मैम ने देखो टाइप करके दिखाया ना, देखो एस U D H I R, ये आ गया सुधीर लिखा हुआ. जादू. नेक्स्ट काम, सी और नंबर कीज. अब नंबर कीज क्या होती है? जिन पे नंबर्स डले हुए थे 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ पे भी लिखे होते हैं. दे आर यूज टू टाइप नंबर्स, ये नंबर्स टाइप करने के काम आते हैं.
देर आर 10 नंबर कीज होती है टोटल, मार्क फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक होती है कीबोर्ड पर, ठीक है, देख सकते हो। नंबर कीज आर पोजिशन, नंबर कीज जो होती है इनकी पोजिशन होती है, जैसे ए टू जेड था वो तो अपनी पोजिशन में नहीं लिखा हुआ था ना, ए बी सी डी, बट जो नंबर्स हैं वो पोजिशन में लिखे हुए हैं, लाइक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पोजिशन में लिखे हुए हैं, ये उल्टे सीधे नहीं लिखे हुए हैं, सीक्वेंस में, ठीक है। एट द राइट एंड ऑफ द कीबोर्ड ऑन न्यूमेरिक कीबोर्ड, एट द राइट एंड ऑफ द कीबोर्ड ऑन न्यूमेरिक कीबोर्ड, और जो राइट साइड, अच्छा तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एट द राइट एंड, मतलब जो राइट है कीबोर्ड का एंड, यहाँ पे भी नंबर कीज गिवन होती है, वो इस तरीके से होती है, और वहां पे भी क्या होते हैं, नंबर्स जले होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बस पेज नंबर 43 हमारा खत्म होता है, अरे 44 पे आ गया। यस, नेक्स्ट इज फंक्शन कीज, फंक्शन कीज भी हमने पढ़ी थी, जो हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर कीज होती हैं, ये होती हैं हमारी फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन कीज आर मार्क फ्रॉम F1 टू F12, ये फंक्शन कीज होती है जो सबसे ऊपर होती है, F1 से लेकर होती है F12 तक, दे आर 12 इन नंबर, इनके नंबर 12 होते हैं, एंड फंक्शन कीज आर यूज फॉर सम स्पेशल फंक्शंस, कुछ स्पेशल स्पेशल फंक्शन करने के लिए ये स्पेशल स्पेशल कीज यूज होती है। नेक्स्ट कम्स स्पेशल कैरेक्टर कीज, अब ये कौन सी होती है, कीबोर्ड कंटेन्स स्पेशल कीज दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लेट अस लर्न अबाउट दीज कीज, अब कुछ कीज जो है वो प्रॉपर अलग अच्छे से फंक्शन स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, और वो कीज है ये, दैट इज सिंबल कीज, फर्स्ट वो कौन सी है, सिंबल कीज, सिंबल कीज आर मार्क विद डिफरेंट सिंबल्स ऑन देम, इन पे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यहाँ प्लस और इक्वल्स टू का है, यहाँ पे एरो है, कुछ भी है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा है, तो यहाँ पे सारे क्या है, इक्वल्स टू, ये सारे साइन है, ये एक स्पेशल सिंबल्स है, ठीक है। टू टाइप द सिंबल ऑन नंबर की यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की फर्स्ट, आपको इसके साथ साथ शिफ्ट की को भी दबा के रखना होता है और फिर आपका टाइप हो जाता है। नेक्स्ट कम स्पेस बार की, स्पेस बार की तो सबसे अलग पहचान में आ जाती है क्योंकि वो सबसे बड़ी कीज होती है और ये होती है स्पेस के लिए यूज, जब हमें जगह छोड़नी होती है। सो द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की, ये सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड पर, वी यूज इट टू गिव स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स, कोई भी कैरेक्टर्स या कोई भी वर्ड्स के बीच में जगह छोड़ने के लिए, स्पेस छोड़ने के लिए जो की यूज होती है, एंड दैट इज नोन एज स्पेस बार की, और ये सबसे बड़ी होती है, क्लियर। नेक्स्ट इज लेट अस टाइप अ सेंटेंस, आपने एक सेंटेंस टाइप करा, माय नेम इज राजन, लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में ना स्पेस नहीं दी हुई है ना, तो ये बड़ा गंदा सा लग रहा है पढ़ने में। अब देखो, प्रेस द स्पेस बार की वंस टू गिव अ स्पेस बिटवीन द वर्ड, अब आप स्पेस बार की यूज करो और स्पेस दो और फिर ऐसे लिखा आएगा, माय नेम इज राजन, इनके बीच में हमने स्पेस दे दे के लिखा, तो ये अच्छा लग रहा है ना लिखने में, माय नेम इज राजन। नेक्स्ट कम्स योर कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की भी मैंने आपको बताई हुई है, इट इज पोजिशनड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द अल्फाबेट कीज, जहाँ अल्फाबेट कीज हो उसके लेफ्ट साइड पे जो कीज होती है ये होती है हमारी कैप्स लॉक की, ठीक है। इट इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स ओनली, मैम ने आपको बताया था अगर आपको कोई भी कैपिटल लेटर लिखना हो पहले आप कैप्स लॉक ऑन करते हो फिर लेटर लिखते हो, और फिर सपोज आपने लिखना है माय, ऐसे लिखना है आपने एम और वाई, वाई लेकिन छोटा लिखना है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आपने कैप्स लॉक ऑन करा, एम लिखा, ये एम लिख दिया, उसके बाद आपने वाई छोटा लिखना है ना, तो पहले कैप्स लॉक ऑफ करोगे उसके बाद वाई लिखोगे, कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो वो सारा ही कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। प्रेस द कैप्स लॉक की वंस द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन, जब आप कैप्स लॉक की पे टच करोगे उसे क्लिक कर दोगे उसके बाद क्या होगा, कैप्स लॉक लाइट की, कैप्स लॉक उसकी लाइट जल जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 45 पर। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल टाइप द सेंटेंस, अब आप एक सेंटेंस टाइप करो, आई लव माई कंप्यूटर, ये आपने कैसे करा, इसमें आपने कैप्स लॉक ऑन करा
और फिर ये सारी लाइंस लिख दी और क्या हुआ, ये सारा कैपिटल लेटर्स में लिखा गया। नाउ प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, टाइप द सेंटेंस अगेन एंड सी द डिफरेंस। अब आप कैप्स लॉक की को दोबारा दबाओ और अब सेंटेंस लिखो तो आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, डिफरेंस पता क्या दिखेगा, पहले आपने कैप्स लॉक ऑन करा तो ये सारा कैपिटल लेटर्स में लिखा गया, ठीक है। लिखने के बाद आपने दोबारा कैप्स लॉक दबाया तो वो कैप्स लॉक क्या हो गया, ऑफ। अब डिफरेंस क्या आएगा, अब आपका लिखा जाएगा ऐसे, आई लव माय कंप्यूटर। अब आपका डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज नाउ एंटर की, अब होती है एंटर की। एंटर की मैम जल्दी दिखाओ, एंटर की दिखाने से पहले हम पढ़ेंगे पहले। एंटर की इज पोजिशन एट टू प्लेसेस ऑन अ कीबोर्ड। एंटर कीज जो होती है वो कीबोर्ड के टू साइड होती है, कहाँ पे, इन टाइपिंग इट हेल्प्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। जब हम कुछ भी टाइप करने लगते हैं तो न्यू लाइन पे जाने के लिए हम एंटर कीज दबाते हैं, तो क्या होता है, ये होती है बच्चे एंटर की। एक एंटर की हमारे यहाँ अल्फाबेट्स के साइड में होती है, दिख रही है सबको, और एक एंटर की हमारे कीबोर्ड के यहाँ पे लास्ट में होती है, ठीक है। और ये एंटर कीज यूज क्यों होती है, ये न्यू लाइन से या न्यू पैराग्राफ कुछ भी न्यू स्टार्ट करने के लिए एंटर कीज टाइप की जाती हैं। इट हेल्प्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और अ न्यू पैराग्राफ एंड इन गिविंग कमांड्स टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कमांड देने के लिए एंटर कीज दबाई जाती है। नेक्स्ट कम्स योर एरो कीज। मैम ने आपको एरो कीज भी दिखाई दी, यहाँ पे कंप्यूटर के यहाँ पे क्या होते हैं, एरोज बने होते हैं, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट होते हैं ना एरोज, तो ये एरो कीज क्यों यूज होती है। There are four arrow keys at the right hand side of a keyboard. Keyboard के right side पे arrow keys होती हैं four and are marked with arrows. जिन पे arrows बने होते हैं like this. They are called arrow keys. इन्हीं को arrow keys कहते हैं. The four arrow keys are called. इनको कहते क्या क्या है, right arrow key, left arrow key, up arrow key and down arrow key. Clear? Next. Up arrow key is used to move the cursor up. अगर हम अप वाली एरो की ये वाली दबाते हैं तो इससे हमारा कर्सर ऊपर चला जाता है, डाउन वाली एरो की से हमारा कर्सर नीचे आ जाता है, लेफ्ट एरो की से कर्सर लेफ्ट चला जाता है और राइट एरो की से हमारा कर्सर राइट चला जाता है, क्लियर। नेक्स्ट इज बैक स्पेस की। अब बैक स्पेस की कौन सी होती है, बैक स्पेस की इज पोजिशन एट द राइट एंड इन द रो ऑफ नंबर कीज। जहां पे राइट में नंबर कीज लिखे होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद में एक बैक स्पेस की होती है, ठीक है। इट इनेबल्स यू टू इरेज द लेटर। ये एक इरेजर का वर्क करता है, सपोज हमने कुछ स्पेलिंग लिखनी थी और वो हमने गलत लिख दी तो हम बैक स्पेस दबाएंगे तो वो स्पेलिंग इरेज हो जाएगी, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। सपोज हमने लिखा नेम, हमने नेम की स्पेलिंग लिखनी थी NAME बट हमने लिख दी NAEM, तो हम बैक स्पेस का बटन दबाएंगे लाइक दिस और वो रब हो गया, हम फिर से दबाएंगे वो फिर से रब हो गया और हमने क्या लिखना है, एम ई, अब हमने सही लिख दिया, क्लियर। बस यही था आपका। नेक्स्ट कम्स ऑन पेज नंबर 4646 पे हम आते हैं, डिलीट की। अब डिलीट की क्या होती है, कुछ भी काम को पूरा डिलीट करने के लिए, इट इज ऑल्सो नोन एज डिलीट की, इसे डिलीट की भी कहते हैं। डिलीट की इज अ स्पेशल की, ये एक स्पेशल कीज होती है एंड इट इज पोजिशन अबव द एरो कीज। एरो कीज के ऊपर होती है हमारी डिलीट की, देखो ये आपके एरोज हैं, ये इसके ऊपर है डिलीट की, ठीक है। इट इनेबल्स यू टू इरेज एंड लेटर्स और नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जो भी आपने राइट साइड लिखा होता है वो सारा कर्सर से डिलीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये ऐसी होती है आपकी डिलीट की और इसके ऊपर लिखा होता है डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर शिफ्ट की। अब शिफ्ट की क्या काम करती है, शिफ्ट की इज पोजिशन एट टू प्लेसेस ऑन अ कीबोर्ड। अब शिफ्ट की भी एंटर की तरह टू प्लेसेस पे होती है कीबोर्ड के। दिस की हैज टू फंक्शंस टू परफॉर्म। इस की के टू फंक्शंस होते हैं, दो काम होते हैं, कौन कौन से, वन इज टू टाइप अपर केस लेटर, ऊपर के लेटर्स लिखने के लिए। सेकेंड इज टू टाइप द सिंबल्स मार्क्ड अबव न्यूमेरिक कीज एंड अदर कीज। और दूसरी का काम क्या होता है, सिंबल्स लिखना, कैसे, जो भी हमने ऊपर न्यूमेरिकल्स में या कुछ लिखा है या कोई भी और अदर कीज यूज करी है उसके ऊपर जो सिंबल लगाते हैं वो उसके काम आती है, कौन सी कीज,
शिफ्ट कीज। क्लियर हुआ? नाउ चैप्टर इज फिनिश, आपको पेज नंबर 47 पर आना है। ट्रू फॉल्स यू हैव टू डू इन योर बुक वर्क, दिस इज योर बुक वर्क, बुक में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज ऑल्सो योर बुक वर्क, बुक में करना है। MCQs, you have to complete in your book only. Page number 48. अरे, match the following. ये तो हम easily अपने आप कर सकते हैं। मैम ने हमें बता दिया कौन सी keys कौन सी होती हैं, ठीक है? ये भी बच्चे बुक में करनी है। Then answer the following questions कि आपको अपनी notebook में complete करने हैं। Mam will send you the assignment. आपको work complete करना है in nice handwriting. Hope you all have understood. Thank you.